हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं स्पाइडरमैन नो वे होम ट्रेलर पर। सो वैसे तो ये मूवी कब की रिलीज हो चुकी थी, बट मैं 3 साल बाद ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेल स्पाइडर्स की तरह फीमेल्स को हिप्नोटाइज कर सकता है। बस भी करो यार, जो हुक्म स्पाइडर लॉर्ड। एमजे, हम दिन भर ऊपर नहीं रह सकते, नीचे बहुत पागलपन है। आप समझते क्यों नहीं, मैंने मिस्टीरियो को नहीं मारा है, उसे ड्रोन्स ने मारा। वो ड्रोन्स जो तुम्हारे थे। जो भी हुआ, क्या तुम उससे जरा भी खुश नहीं हो? क्या मतलब? सब सच जान चुके हैं तो अब तुम्हें ना लोगों से झूठ बोलने की जरूरत है, ना किसी से छुपने की। देखो, मैं तुमसे तो छुपाना नहीं चाहता था, पर दुनिया को कैसे क्या था कि मैं स्पाइडरमैन हूं। अब तो सबको पता चल गया। देखो, मुझे मेरी परवाह नहीं है, पर मेरे लोगों को तकलीफ पहुंच रही है। मैं बस यही सोचता रहता हूँ कि इसे ठीक कैसे करूँ। तो पीटर, यहाँ आने की कोई खास वजह? सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया सर। ओह प्लीज, हमने आधी दुनिया को साथ में बचाया। अब सर बोलकर शर्मिंदा मत करो। ओके, स्टीवन। सुनने में अजीब लगा पर चलेगा। जब मिस्टीरियो ने मेरी पहचान से पर्दा हटाया तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। आप ऐसा कुछ कर सकते हैं कि ये सब कभी हुआ ही ना हो? स्ट्रेट, उस मंत्र को मत पढ़ना, इसमें बहुत खतरा है। ठीक है, नहीं पढ़ूंगा। ये पूरी दुनिया बहुत जल्द भूल जाएगी कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। क्या पूरी दुनिया? कुछ लोगों को छोड़ नहीं सकते? ये मंत्र इस तरह काम नहीं करता। मतलब एमजीआर मेरे भी जो कुछ भी हो सब कुछ भूल जाएगी? मंत्र से छेड़छाड़ करना बंद करो। प्लीज, नेट को तो छोड़ दो, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। देखो, आंख में कुतरा नहीं। सब भूल गए क्या? हमने समय के साथ छेड़ खानी की है। मल्टीवर्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। तकलीफ तुम्हारी दो अलग जिंदगियां जीने में है, क्योंकि ऐसा करने से खतरा और बढ़ता जाएगा। कुछ भी मांगने से पहले सोच लेना चाहिए पार्कर। हेलो पीटर। सो गाइस, मैं स्पाइडरमैन का बचपन से बड़ा बहुत बड़ा फैन हूँ। अगर आप 90s के किड्स होंगे तो आपको स्पाइडरमैन से ज़्यादा ही लगा होगा। स्पाइडरमैन एक लड़का होता है जो होता है पीटर पार्कर, उसके ज़िंदगी में बहुत ही बड़ा उतार चढ़ाव होता है। उसकी ज़िंदगी उतार चढ़ाव से बढ़िया से भरी होती है, एंड वो 15-16 साल का एक लड़का होता है। बाकी की स्टोरी मेरी सिस्टर बताएगी। हाँ, तो उसके लाइफ में प्रॉब्लम होती है तो वो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाता है। ये हमारे पीटर पार्कर होने टाइम के साथ छेड़खानी की अपनी लाइफ को सही से चलाने के लिए, लेकिन पूरे यूनिवर्स के अब तक के जितने भी खतरा और बढ़ गया। सो होप यू एंजॉय दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। जय हिंद, वंदे मातरम।